والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام ذمہ داران مدرسہ و اساتذہ و نوجوانان اسلام و عزیز طلبہ اور پردے میں تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں مجھے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ میں خاص کر عورتوں سے یہ کہوں کہ وہ ابھی نہ جائیں تھوڑی دیر بیان ہوگا پھر بچوں میں انعامات تقسیم ہوں گے پھر اس کے بعد دعا ہوگی کھانے کا انتظام ہے اس لیے جانے والی عورتوں سے درخواست ہے کہ وہ نہ جائیں اطمینان سے بیٹھے بہرحال اللہ جل شانہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم سب کو اس جلسے میں آنے کی توفیق دی اور یہ معصوم بچوں اور بچیوں کی زبانوں سے اسلام اور دین کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا اللہ نے ہم سب کی کامیابی کے لیے اور ہماری اسلام کے لیے تربیت کے لیے اللہ نے اسلام کو اور دین کو نازل فرمایا اس اسلام کو سیکھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم دین کا علم حاصل کرنا اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے مردوں کو سیکھنا ضروری عورتوں کو سیکھنا ضروری اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے اسی لیے ایک روایت میں فرمایا گیا جب بچہ بولنے لگے کچھ کہنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ نکلے اس کی کوشش کرنا چاہیے بچے کا پہلا لفظ زبان سے اللہ نکلے آج ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں جب وہ بولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ابو ہیں یہ امی ہیں یہ ماما ہیں یہ نانا نانی ہیں یہ دادا دادی ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا جملے کہتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا بچے کا پہلا بول اور اس کا پہلا کلمہ زبان سے اللہ نکلنا چاہیے جو بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ نکلتا ہے اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بچوں کے بارے میں اتنی فکر کرنی چاہیے اتنا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اور بچی اسلام پر جینے والی بنے جینے والے بنے
और इस्लाम पर ही उनकी मौत आए, इस्लाम पर ही उनका इंतकाल हो जाए, इतना ख्याल करना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कहा वला तमुतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान होने की हालत में मरो, तो हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि उनका जीना इस्लाम पर और उनका मरना भी इस्लाम पर। आजकल जो हालात चल रहे हैं ईमान को खराब करने के लिए और हमारे दिलों से अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मारिफत खत्म करने के लिए और हमारी जिंदगियों से शरीयत और इस्लाम को खत्म करने के लिए हजारों स्कीमें हजारों प्लान बनाए जा रहे हैं। ऐसे खतरनाक माहौल में अपने ईमान की भी हिफाजत करना और अपनी औलाद की ईमान की भी हिफाजत करना, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा الناس والحجارة, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचेंगे? ईमान के जरिए से, आमाले सालिहा के जरिए से, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने के जरिए से, सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने के जरिए से और ईमान पर इस्लाम पर मरने के जरिए से जहन्नम की आग से बच सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और आगे फरमाया तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों से मुराद बीवी आ गई, घर में रहने वाली माँ आ गई, घर के अंदर रहने वाली औलाद भी आ गई। यहाँ तक कि उलमा ने बयान फरमाया तुम्हारे दुकानों में कारखानों में फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं मजदूर, वो मजदूर भी आ गए कि उन सब लोगों को जहन्नम की आग से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती आजम अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है माँ बाप के जिम्मा ये फर्ज है, माँ बाप के जिम्मा ये फर्ज है कि अपनी औलाद से कहे कि ये फर्ज है, ये हलाल है, ये हराम है, यानी उनके जहनों में ये बात बिठाना कि बास चीजें वो हैं जो हलाल हैं और बहुत सारी चीजें वो हैं जो हराम हैं। मेहनत करके कमाना हलाल, सच्चाई के साथ कमा के खाना हलाल, अमानतदारी के साथ कमा के खाना हलाल और आंखों की हिफाजत करना जरूरी, जुबान की हिफाजत करना जरूरी और अपने आप को गुनाहों से बचाना जरूरी, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, चोरी करना हराम। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मकतब जाते हैं, किसी और का पेन लेकर आ जाना, कलम लेकर आ जाना, चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। और स्कूल में ट्यूशन में मकतब में जाते हैं, किसी और के जूता चप्पल पहनकर आ जाना, ये हराम। किसी और की बुक लेकर आ जाना, ये हराम। किसी और की किताब चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। किसी और के पैसे चुरा के लेके आ जाना, ये हराम। तो माँ बाप के जिम्मा ये जरूरी है कि बच्चों के दिलों में ये बातें बिठाएं कि बेटा ये हलाल है, ये हराम है। तो हलाल की दावत देना, हराम की दावत देना, ये माँ बाप के जिम्मा वाजिब है, फर्ज है। हदीस पाक में आया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा के रास्ते में खजूर पड़ी हुई है,
छोटे से बच्चे हैं हजरत हसन, बच्चों को क्या पता कि ये पड़ी हुई खजूर मेरे लिए हलाल है या हराम है, बच्चों को क्या अकल है। तो रास्ते में पड़ी हुई थी खजूर उठा के मुंह में डाल लिया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कह कह के थूको इसे, मुंह से निकालो बाहर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अमा तारीफो अन्ना ला नाकुल सदका, बेटे क्या आपको मालूम नहीं ये सदके का माल है और ये चीज हमारे लिए हलाल नहीं है, ये जकात का माल है, ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं। ये हदीस की शरह में मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, इसी तरह माँ बाप के जिम्मा ये वाजिब है, जब तुम्हारी औलाद शरीयत के खिलाफ कोई अमल करे, इस्लाम के खिलाफ कोई अमल करे, तो उस अमल से रोकना माँ बाप के जिम्मा ये वाजिब है। माँ बाप ये ना सोचे कि अभी छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो ये गुनाहों से बच जाएगा, अभी ये मासूम बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो ये गुनाह छोड़ देगी, ये गुनाह से बच जाएगी, ये सोचकर खामोश रह जाना माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए ये गलत है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि इन चीजों से उनको रोकें। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में है, जिंदगी में एक ही मरतबा हज किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, सवारी पर सवार हैं और आपकी सवारी के पीछे हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से बच्चे नौजवान है पीछे बैठे हुए थे। इतने में एक औरत आई पर्दे की हालत में, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कोई मसाला पूछा, अल्लाह के पैगंबर जवाब दे रहे थे। इतने में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे पीछे जो मेरा भतीजा बैठा हुआ है, इसकी आंख औरत पर जा रही है और औरत ये बच्चे को देख रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वो बच्चे का चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया, दूसरी तरफ फेर दिया और वो बच्चे से कहा बेटा ये वो मौका है जिस मौके पर जो अपनी आंखों की हिफाजत कर ले और अपने कानों की हिफाजत कर ले, अपनी जुबान की हिफाजत कर ले, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे को देखा कि वो एक औरत को देख रहा है, तो बच्चा समझकर खामोश नहीं रह गए, बल्कि उसको तंबीह फरमाई और इस अमल से रोक दिया। एक मतलब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी बीवी है और हम सब की माँ है, उम्मे सलमा का निकाह हमारे नबी के निकाह से पहले किसी और से निकाह हुआ था, तो उस निकाह में उनसे एक लड़का पैदा हुआ अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो छोटा सा बच्चा हुआ, तो बाद में चलकर वो शोहर का इंतकाल हो गया। इद्दत गुजरने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने उम्मे सलमा से निकाह किया, तो वो छोटा सा बच्चा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में आ गया। तो दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह के पैगंबर खाना खा रहे थे, तो ये छोटा सा बच्चा है, जैसे खाने के आदाब सुनाए गए, जिस आदाब में से एक अदब ये है कि खाते हुए अपने सामने से खाना, दरमियान में हाथ डालकर या इधर उधर हाथ डालकर नहीं खाना, ये अदब के खिलाफ है। अपने सामने सामने से खाना, ये खाना के आदाब में से है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये छोटा सा बच्चा है, तो उसका हाथ इधर उधर घूम रहा है, कभी इधर कभी वो चीज उठा ली, कभी वो चीज उठा लिया, कभी उधर हाथ डाल दिया,
तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के अमल को देखकर तीन बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले ये बात बयान फरमाई, समिल्ला, बेटे अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। और फरमाया वकुल बियमीनिक, बेटे सीधे हाथ से खाओ। और आगे फरमाया वकुल मिम्मा यली, बेटे अपने सामने से खाओ, इधर उधर हाथ मत डालो। तो छोटा सा बच्चा है, उसके अमल को देखकर अल्लाह के नबी खामोश नहीं रह गए, बल्कि उनको आदाब सिखाया, इस्लाम की तालीम सिखाई कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सीधे हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। तो इन रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को देखकर भी उनको इस्लाम सिखाया, शरीयत सिखाई, सुन्नतों को सिखाया। यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से बच्चे को देखा, बुखारी में मुस्लिम में रिवायत है, एक छोटे बच्चे को देखा, उसके सर के बाल आधे मुंडे हुए हैं, आधे छोड़े हुए हैं। जैसे आज के जमाने में बच्चों का हाल, नौजवानों के सरों का हाल क्या है, डिजन डिजन की कटिंग आ गई, देखो सरों का हाल क्या है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में छोटे से बच्चे को देखा कि आधा सर के बाल कटे हुए और आधे सर के बाल रखे हुए हैं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चे के इस अमल को देखकर फरमाया कि ये अमल ना करो, ये हरकत ना करो। सर मुंडवाना है तो मुकम्मल मुंडवाओ, अगर सर के ऊपर बाल रखना है तो मुकम्मल बाल रखो। ये कौन सा तरीका है कि आधा सर मुंडवा रहे हैं, आधा सर के बाल रखे हुए हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अमल ना करो, रखना है मुकम्मल सर के बाल रखो, या मुंडवाना है तो मुकम्मल मुंडवा दो। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मर्दों की इस्लाह फरमाई, औरतों की इस्लाह फरमाई, वही अल्लाह के नबी ने बच्चों की भी तरबियत फरमाई, बच्चों की भी रहबरी फरमाई, और माँ बाप को तवज्जो दिलाई कि अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए, उनके अखलाक की हिफाजत के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की हिफाजत के लिए माँ बाप के जिम्मा ये जरूरी है कि अपने बच्चों का ताल्लुक मकतब से मजबूत रखें, अपने बच्चों का ताल्लुक मस्जिदों से मजबूत रखें, अपने बच्चों का ताल्लुक उलमा से मजबूत रखें। जिन बच्चों का ताल्लुक उलमा से होता है, मस्जिदों से होता है, मकतब से होता है, कुरान के सीखने सिखाने से होता है, दुआओं के सीखने सिखाने से होता है, उन बच्चों के अखलाक की हिफाजत होती है, उनके ईमान की हिफाजत होती है और उनके इस्लाम की हिफाजत होती है। जिन बच्चों का ताल्लुक मकतब से ना हो, कुरान के सीखने सिखाने से ना हो, तो आज का जो माहौल चल रहा है फितनों का, खराबियों का, बुराइयों का, तो इस माहौल में रहकर बच्चों के अखलाक बिगड़ जाएंगे, उनका ईमान खराब हो जाएगा और आइंदा चलते चलते खतरा है कि वो ईमान ही से निकल जाएंगे। जैसे हमारे सामने, हम सब के सामने चंद बच्चियों ने हिजाब के साथ बुर्का इस्तेमाल करते हुए हिजाब की अहमियत पर, बुर्का की अहमियत पर जो बातें कही है, ये कोई मामूली बातें नहीं है। आज के कॉलेजों में, स्कूलों में, मेडिकलों में जो हिजाब का मसला चल रहा है, ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये बहुत ही नाजुक मसला है। ये जो गुंडे लोग हैं और ये जो फितना परवर लोग हैं, इनके नीयतें खराब हैं, इनके इरादे खराब हैं, इनकी आंखों में जिना है, इनके दिल के ख्यालात उभरने वाले जिनाओं से भरे हुए हैं और इनके इरादे जिनाओं से भरे हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनका हिजाब निकल जाए, निकाब निकल जाए। जैसे आप देखते हैं कि हजारों हजारों की तादाद में
कलीमा पढ़ने वाली लड़कियां और कलीमा पढ़ने वाले मर्द इस्लाम को छोड़कर गैर के मजहब में जा रहे हैं, किसी और के धर्म को अपना रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? उन्होंने हिजाब को पहचाना नहीं, इस्लाम को पहचाना नहीं, ईमान की अहमियत को पहचाना नहीं, अपने धर्म को पहचाना नहीं, अल्लाह की मारिफत को पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुर्तद हो रहे हैं। आज वो लोग चाहते हैं कि ये जो पर्दे के साथ आते हैं, इनका ईमान भी खराब हो जाए, इनका इस्लाम भी खराब हो जाए, इनके दिलों से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाए, नबियों की मोहब्बत निकल जाए, वलियों की मोहब्बत निकल जाए, इनकी जिंदगियों से सहाबा के अखलाक निकल जाए। उनकी ये मेहनत चल रही है, ऐसे खतरनाक माहौल में अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना, इस्लाम की हिफाजत करना, ये माँ बाप के जिम्मा जरूरी है। एक रिवायत सुनाकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। इस्लाम दुनिया के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा हो या बच्ची, दुनिया के किसी भी घर में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, जहाँ कहीं बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वो बच्चा और बच्ची इस्लाम पर पैदा होते हैं, दीन की बुनियाद पर पैदा होते हैं। वो मुसलमान के घर में पैदा हो या यहूदी के घर में पैदा हो या क्रिश्चियन के घर में पैदा हो या किसी और के धर्म के घर में पैदा हो, जिस घर में भी पैदा हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर क्या होता है, कोई बड़ा होकर मुसलमान हो जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई यहूदी बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई और धर्म में चले जाता है, ये क्यों होता है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये माँ बाप का माहौल होता है। अगर वो बच्चे के माँ बाप इस्लाम के माहौल में हो, ईमान के माहौल में हो, शरीयत के माहौल में हो, तो वो बच्चे बड़े होकर इस्लाम वाले बनते हैं, मोमिन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। अगर कोई माँ बाप यहूदी होते हैं, तो उनका माहौल यहूदियत का होता है, तो उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर यहूदी बन जाते हैं। अगर माँ बाप का माहौल ईसाई का हो, तो वो बच्चे बड़े होकर ईसाई बन जाते हैं। अगर कोई माँ बाप आग की पूजा करने वाले होते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर आग की पूजा करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ ये तवज्जो दिलाई कि माँ बाप का जो माहौल होता है।